मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मैंने असम में लंबे समय तक यहां के लोगों के बीच एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। छोटे छोटे इलाकों में मैंने दौरा किया हुआ है और अपने प्रवास के दौरान जब अपने साथियों के साथ बैठता था, चलते जाते, तो हमेशा भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लोकप्रिय गीत की पंक्तियां यहां के साथियां, हमारे सब साथी अक्सर सुनाता करते थे। और भूपेन हजारिका, मेरा एक विशेष लगाव भी है उनके साथ। उसका कारण है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका मेरे गुजरात के दामाद हैं।